चलो, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो हमने ज्यूरिसप्रूडेंस क्या होता है ये डील किया कि भाई ज्यूरिसप्रूडेंस का मतलब क्या, जो हमें लॉ की नॉलेज देगा। दो वर्ड से ये मिलके बनेगा, ज्यूरिस और प्रूडेंसिया। ज्यूरिस मतलब कि विधि और प्रूडेंसिया मतलब नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, तो जो हमें विधि के बारे में ज्ञान करवाएगा वो ज्यूरिसप्रूडेंस होगा। अब ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर जो भी नॉलेज हमें मिलेगी वो अलग अलग जूरिस्ट अपनी अपने डेफिनेशंस में देते हैं। कोई बोलता है कि ये जूरिस्ट जो है, ज्यूरिसप्रूडेंस जो है ये सिविल लॉ है। कोई बोलता है कि ज्यूरिसप्रूडेंस जो है वो फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। कोई इसको फॉर्मल साइंस मानता है, कोई इसको सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में डील करता है। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग का इसके अंदर सिद्धांत देता है। कोई इसको एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में डील करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, सामंड के जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो सामंड क्या कहते हैं, सामंड कहते हैं कि ज्यूरिसप्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। यानी कि जो आपका ज्यूरिसप्रूडेंस है वो नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। तो तीन एलिमेंट निकाल लो, ये जो डेफिनेशन दी है ना, इस डेफिनेशन में से तीन अलग अलग चीजों को डिवाइड कर लो। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड साइंस ऑफ लॉ। ठीक है, ज्यूरिसप्रूडेंस इज द साइंस, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ और सेकंड सिविल लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप इनको प्रॉपर क्रमबद्ध तरीके से जब आप इसको पढ़ते हैं ना, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये जो सिविल लॉ है ये शासन के द्वारा अपने सिटीजन्स पे, नागरिकों पे लागू की जाती है, और जिसको मानने के लिए हर एक पर्सन बाउंड है, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे वो कोर्ट्स हो, सब इसको बाउंड करेंगे। यानी कि सामंड के अकॉर्डिंग ज्यूरिसप्रूडेंस ऐसी विधियों का विज्ञान है, ऐसे लॉज का साइंस है जिन्हें कोर्ट्स के द्वारा क्या है, लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो सामंड की चीजों में तीन चीजें हमने निकाली, सबसे पहले तो सिविल लॉ, सेकंड फर्स्ट प्रिंसिपल और थर्ड साइंस। ये तीन चीजों को डिवाइड कर लो, डेफिनेशन अपने आप निकल के आएगी कि नागरिकों के ऊपर एक ऐसी लॉ लागू की जाती है, ऐसी विधि अप्लाई की जाती है जिसको हर एक पर्सन मानने के लिए बाउंड है। सामंड की क्लियर हुई डेफिनेशन। उसके बाद में ऑस्टिन आते हैं। ऑस्टिन मानते हैं कि ज्यूरिसप्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। यानी कि अब फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या, तो पॉजिटिव लॉ कौन सी, जो एग्जिस्टेंस में है। नॉर्मल समझना कि जो लॉ लॉ अभी प्रेजेंट के अंदर है तुम उसके बारे में बात करो। ठीक है, जो कैसी होगी या कैसी होनी चाहिए थी उससे कोई मतलब नहीं है। फिलोसफी का मतलब, फिलोसफी मतलब दर्शन। दर्शन को आप इंक्लूड करोगे जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी नोशंस हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में डील करता है। ऑस्टिन ने अपनी डेफिनेशन के अंदर चार बातें उन्होंने सीधी कह दी। सबसे पहले तो क्या कि ये जो आपका पॉजिटिव लॉ है ना, ये आपके ज्यूरिसप्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर है, जनरल सब्जेक्ट मैटर है। सेकंड क्या कहता है कि भाई जो ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर जो लॉ बनाए गए हैं तुम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात मत करो। मेरिट्स और डीमेरिट्स का मतलब क्या कि सीधी सी बात ये हुई कि ये जो लॉ बनी हुई है वो कैसी होनी चाहिए थी या कैसी होनी चाहिए, ना तो फ्यूचर में और ना ही पास्ट में, प्रेजेंट में क्या चीज है आप उसके बारे में डील करोगे। ठीक है, और तीसरी चीज क्या कहता है, ये जो आपका ज्यूरिसप्रूडेंस है ये आपके डेवलप्ड जो लॉ प्रणालियां हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड जो चीजें हैं उनके बारे में बात करता है, ना कि जो आने वाली है या जो आ चुकी उनके बारे में बात करेगा। अभी ऑस्टिन की डेफिनेशन क्लियर हुई। ठीक है, उसके बाद में आता है होलैंड। तो होलैंड जो है वो क्या कहते हैं कि भाई होलैंड ने ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है फिलोसफी, ऑस्टिन ने बोला ना कि ज्यूरिसप्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, सेम ऐसे ही ये जो फिलोसफी वर्ड है इसकी जगह पे होलैंड ने यहाँ पे फॉर्मल साइंस का वर्ड का यूज किया है। ठीक है, फॉर्मल का मतलब प्रारूपिक। तो इस डेफिनेशन से भी तीन चीजें निकल के आती हैं, एक तो पॉजिटिव लॉ, दूसरा साइंस और एक फॉर्मल वर्ड। तो होलैंड के अकॉर्डिंग ज्यूरिसप्रूडेंस लॉ के प्रचलित जो भी, जो डेवलप्ड जो भी, मतलब प्रचलित जो रूल्स हैं, जो भी उनके थिंकर्स हैं या फिर उनके अंदर जो भी सुधार हुए हैं
उनसे रिलेटेड है। यहाँ पे पॉजिटिव लॉ से अभिप्राय ऐसे संबंधों से है जो कि विनियमित करने वाली ऐसी विधियों से है जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, स्टेट के द्वारा बनाई गई है। मतलब कि ऐसी लॉज जो स्टेट के द्वारा बनाई गई है और कोर्ट उनको क्या करता है, लागू करता है। अब जैसे इन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो सिविल हो गया, और सिविल वाली बात किसने बोली थी, इससे पहले सिविल वर्ड कहाँ पे आया था बताओ, सामंड की डेफिनेशन में। तो होलैंड की डेफिनेशन और सामंड की डेफिनेशन एक दूसरे से मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। और फॉर्मल साइंस इसलिए है क्योंकि इस शास्त्र में उन नियमों का अध्ययन समाविष्ट नहीं है जो स्वयं पार्थिव संबंधों से उत्पन्न हुई, यानी कि जो खुद से आए हैं, ऐसे रूल्स के बारे में इसमें कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं है। ये बोलता है कि लॉ ने जो रूल्स बना दिए उनको आपको क्या है, प्रॉपर तरीके से उन्हीं के हिसाब से काम जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन सारी चीजों से जो हमारे पास में लॉज आ रहे हैं हम उनके बारे में डील कर रहे हैं। अभी समझ आया, ठीक है। अब आता है रोस्को पाउंड। रोस्को पाउंड कहता है भाई लो तो तुमने बना दिया, लेकिन जो लो बनाओगे वो ऐसी बनाओ कि भाई अगर वो समाज के अंदर जाती है ना, तो अगर मान लो एक दूसरे के बीच में टकराव उत्पन्न हो रहा है, तो उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उनकी जो भी नीड है, उनको जो भी चीज की नीड है, वो नीड उनकी कंप्लीट हो जाए। इट मीन्स सोशल इंजीनियरिंग। अब कोई भी इंजीनियर होगा, एक एग्जाम्पल से समझो इसको, कोई भी आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, उसको अगर आपने बिल्डिंग बनाने के लिए दे दी, तो वो बिल्डिंग का पहले एनालिसिस करेगा कि नहीं करेगा बताओ। वो देखेगा ना वहां पे जाके कि भाई ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर ये कितने बाय कितने की है, मैं इस पे किस तरह से अपना मकान बना सकता हूँ। सेम ऐसे ही रोस्को पाउंड कहता है। रोस्को पाउंड कहता है तुम लॉ किसके लिए बना रहे हो, लोगों के लिए तो बना रहे हो, नागरिकों के बेनिफिट के लिए तो बना रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसी लॉ बनाओ ना जो कि हमें समाज के बारे में रूबरू करवाए, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ज्यूरिसप्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, कि विधि के विज्ञान से अभिप्राय जो भी संस्थाएं हैं या फिर जो भी हमने लीगल कल्पनाएं की हुई हैं, उन दोनों का प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने का जो ग्रुप है ना, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर कायम रहना, ठीक है, कि जो भी समाज के अंदर जितने भी पाए जाने वाले बीच के अंदर जितने भी टकराव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसके अंदर कम से कम उनके अंदर टकराव उत्पन्न हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और ऐसे संतुलन स्थापित किए जा सके जो कि एक अच्छा समाज आपके सामने लेके आए, तो वो सोशल इंजीनियरिंग पे बात करेगा। समझ आया रोस्को पाउंड क्या कहना चाह रहे थे। अब आती है स्टोन की बारी। स्टोन क्या कहता है, ज्यूरिसप्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन, यानी कि जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो वकीलों की बहुमुखी अभिव्यक्ति है। इसका मतलब क्या कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो सोर्सेज आ रहे हैं ना, एडवोकेट्स, अभी एडवोकेट्स हैं तो कुछ लॉ के नए कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, कोई आदर्श हैं या कोई पद्धतियां हैं जिनका वो परीक्षण करते हैं, तो वो सारी चीजें ज्यूरिसप्रूडेंस की क्या बन जाएंगी, उसका ज्यूरिसप्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। स्टोन ने ज्यूरिसप्रूडेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको तीन चीजों में डिवाइड कर दिया, एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और फंक्शनल ज्यूरिसप्रूडेंस। अभी किटन की डेफिनेशन क्या कहती है, स्टोन का समझ आ गया कि स्टोन तो ये बोलता है कि ये जो आपका ज्यूरिसप्रूडेंस है ये लॉयर्स का एक्सट्रोवर्जन है। अभी लॉयर का एक्सट्रोवर्जन मतलब क्या कि जो लॉयर्स से जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स के जो लॉ से जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कोई भी मतलब कि थ्योरीज आ रही हैं निकल के, तो वो सारी ज्यूरिसप्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर हो गया। अभी समझ आया स्टोन का। अब बात करते हैं किटन के बारे में। किटन क्या कहते हैं कि भाई लॉ के जो प्रिंसिपल्स है ना, उनकी हम नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, और उनका प्रॉपर तरीके से हम उस नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो जो लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉ के जो प्रिंसिपल्स आए ना, वही ज्यूरिसप्रूडेंस है। मतलब कि जो लॉ के प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहे हैं वो सब्जेक्ट ही ज्यूरिसप्रूडेंस है, ठीक है। पैटर्न कहते हैं कि ज्यूरिसप्रूडेंस लॉ
या फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ की अगर हम नॉलेज लेते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो वो ज्यूरिसप्रूडेंस है। ठीक है, कि मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंग ज्यूरिसप्रूडेंस का जो एरिया है वो इतना बड़ा है कि जिसके अंदर क्लियर किया हुआ है कि ज्यूरिसप्रूडेंस विधिक प्रणालियों के द्वारा जो भी डेवलप्ड कॉन्सेप्ट हैं या फिर जो लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं, जो हमारे समाज को एक अच्छे मतलब कि पहलू पे लेके जाना चाहते हैं, तो जो कंटिन्यूस में जो चीजें चल रही है ना, जो नए नए लॉज आ रहे हैं, जो नए नए डेवलप्ड कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों की नॉलेज लेना ज्यूरिसप्रूडेंस है। ग्रे की डेफिनेशन की बात करूं तो ग्रे सीधा बोलते हैं कि भाई कोर्ट ने जो भी नियम वगैरह बना दिए, ठीक है, तो उन नियमों के अंदर जो भी इंटीरियर जो भी सिद्धांत आएंगे वही क्या है, साइंस ऑफ लॉ रहेगा। ठीक है, सिसरो की डेफिनेशन है तो सिसरो कहते हैं कि भाई जो विधि के जो आदर्श तत्वों की जो खोज की जा सकती है वो ज्यूरिसप्रूडेंस से आएगी। अल्पियन जो कहते हैं, अल्पियन बोलते हैं कि भाई ज्यूरिसप्रूडेंस जो है ना वो या तो जस्टिबल और या फिर नॉन जस्टिबल्स का विज्ञान है, इट मीन्स न्यायपूर्ण या फिर अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। कैल्सन कहते हैं कि जो आपका ज्यूरिसप्रूडेंस है ये एक मानवीय विज्ञान है। और ये जो सेठना है ना, सेठना की डेफिनेशन प्रोफेसर एमजे सेठना जो है वो ये कहते हैं कि ज्यूरिसप्रूडेंस आपके सामाजिक ऐतिहासिक और दार्शनिक आधारों के साथ में जो भी आपके लीगल प्रिंसिपल्स आए हैं उनकी, उन लीगल प्रिंसिपल्स को जो हम फॉलो कर रहे हैं, लीगल प्रिंसिपल्स की जो नॉलेज गेन कर रहे हैं या फिर जो हमारे लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका हम जो ज्ञान ले रहे हैं वही क्या है, ज्यूरिसप्रूडेंस है। ठीक है, अभी समझ आया कि ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है। इट मीन्स जहां से हमें लॉ मिल रहा है, जहां से हमें लॉ की नॉलेज मिल रही है वो ज्यूरिसप्रूडेंस है। अभी कहां से भी आ सकता है, एडवोकेट से भी आ सकता है, समाज से भी आ सकता है, कोर्ट्स ने जो जजमेंट दे दिए वहां से भी आ सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुँ.